लेट्स टू क्वेश्चन नंबर that is ऑफ एक्सरसाइज थ्री variable. दैट इज is according टू वेरिएबल दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू eight is a number कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट एक नंबर में दो डिजिट नंबर्स हैं हु इज नाइन उनका सम नाइन है तो हम लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें वो डिजिट नहीं पता है हमने पहले भी पढ़ा है लाइक फोर्टी सिक्स एक नंबर है तो हम इसको फो टी प्लस सिक्स लिख सकते हैं राइट right? लेकिन यहाँ पे ये हमें फोर्टी सिक्स नंबर पता है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे है दैट अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट टू डिजिट कह रहा है लेकिन वो डिजिट उसने बताई नहीं लेकिन सिर्फ ये का एक जिसका सम नाइन है तो हमने ये मान लिया कि लेट द फर्स्ट डिजिट बी लेट द टेंस डिजिट बी टेंस डिजिट बी एक्स बी एक्स एंड वंस डिजिट एंड वंस डिजिट बी वाई राइट तो अब वो कह रहे हैं सम ऑफ टू डिजिट इन दोनों सम मतलब टेंस डिजिट और वंस डिजिट का सम नाइन है तो इक्वल्स टू नाइन हो गया यह आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है इफ अब क्या क्या होगा तो तो देखिए अगर हमारी है है और digit y है, तो क्या बन गया ट्वेंटी और इसको अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे टेन को मल्टीप्लाई एक्स करेंगे प्लस वाई करेंगे देखिए अब फोर्टी कैसा आया था फोर मल्टीप्लाइड बाय टेन इन प्लस सिक्स तो इसी तरीके से एक्स वाई कैसा है टेन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई राइट अब वो कह रहा है इफ ट्वेंटी सेवन इज एडेड टू दिस नंबर अगर इस नंबर में ट्वेंटी सेवन एड हुआ तो मतलब टेन एक्स प्लस वाई में ट्वेंटी सेवन एड हुआ देन वॉट विल हैपन आगे कह रहे हैं द डिजिट चेंजेस देयर प्लेस डिजिट चेंजेस देयर प्लेस मतलब कि जो नंबर है हमारा जहां x है वहां y आ जाएगा और जहां y है वहां x आ जाएगा राइट तो इक्वल टू टेन वाई प्लस एक्स हो जाएगा राइट तो अब ये इसे सॉल्व कर लेंगे ये हमारी आ जाएगी सेकेंड डिजिट राइट तो हमने टेन एक्स माइनस एक्स हमने यहां से x और y की डिजिट इधर लिया है और 27 इधर इधर लिया राइट हैंड साइड राइट प्लस टेन वाईक्वल्स टू माइनस का 27 हो गया उधर जाके प्लस का था माइनस का हो गया तो ये आ गया नाइन एक्स माइनस नाइन वाईक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी राइट अब ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को नाइन से भी डिवाइड कर सकते हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और नाइन एक्स माइनस नाइन वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी सेवन ये आ गई सेकेंड इक्वेशन अब देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन का वाई का कॉफिशेंट अगर सेम कर लूँ तो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को नाइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय नाइन तो ये कितना आ गया ये आ गया नाइन एक्स प्लस नाइन वाई नाइन 81, right? और सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी ये थी नाइन एक्स माइनस नाइन वाईक्स टू माइनस का ट्वेंटी सेवन राइट आप देखिए y के ऑटोमेटिकली साइन चेंज है तो कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स एटीन एक्स हो गया दोनों प्लस के थे तो आपस में ऐड हो गया अब एटी वन प्लस का है और ट्वेंटी सेवन माइनस के तो आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा तो ये इलेवन में से सेवन गया फोर और सेवन में से टू गया फाइव राइट right? तो एक्स कितना आ गया फिफ्टी फोर अपॉन एटीन अब एटीन वन सा एटीन एटीन थ्री फिफ्टी फोर तो x की वैल्यू आ गई थ्री अपोटिंग x इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये कितना आ गया x प्लस वाई था हमारा तो थ्री प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन तो y आ गया हमारा नाइन माइनस थ्री दैट इज सिक्स तो हमारा नंबर क्या बन गया है नंबर हमारा था टेन एक्स प्लस वाई राइट तो टेन इंटू एक्स एक्स का कितनी वैल्यू है थ्री और वाई की है सिक्स तो ये कितना आ गया थर्टी प्लस सिक्स दैट इज थर्टी सिक्स इज द आंसर